हरदोई जीरो टॉलरेंस नीति के साथ अपराधियों पर होगी कार्रवाई, नवांगतुक एसपी अजय कुमार। अनगढ़ दबाव बनाने वालों की चलने नहीं दी जाएगी, कानूनी दायरे में रहकर पुलिस द्वारा कार्य किया जाएगा। हरदोई को भ्रष्टाचार मुक्त करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। पुलिस विभाग द्वारा आमजन से मधुर संबंध स्थापित करने का भी होगा प्रयास। शुक्रवार को जिले में पुलिस अधीक्षक पद का कार्यभार करने आए आईपीएस अजय कुमार पांडे ने बातचीत करते हुए बताया कि सरकार की मंशा के अनुरूप अपराधियों के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिस प्रकार चावल में से कंकड़ को निकालकर बाहर कर दिया जाता है, उसी प्रकार हम समाज में से बुराइयों को बाहर निकालकर एवं शांति प्रिय समाज की स्थापना करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि हरदोई भौगोलिक दृष्टि से बड़ा जिला है और कई अन्य जिलों की सीमाएं इससे मिलती है। प्राथमिकताएं रहेंगी और क्या आज होगा? देखिए, जनपद हरदोई एक बहुत बड़ा जिला है जिसमें 25 से भी ज्यादा थाने हैं और भौगोलिक क्षेत्रफल काफी ज्यादा बड़ा है। कई जिलों का बॉर्डर है, तो बहुत ही सेंसिटिव इलाका है। हमारी प्राथमिकता बतौर पुलिस अधीक्षक यही है कि कानून व्यवस्था मेंटेन्ड रहे, शांति व्यवस्था कायम रहे, किसी दबंग, किसी शरारती, किसी अराजक तत्व का दबदबा न कायम हो जाए। साथ ही साथ क्राइम और क्रिमिनल पर जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी, जो हमारी सरकार की भी नीति है, उस पर अक्षरशः अमल किया जाए। दूसरा, पुलिस जनों का व्यवहार आम जनमानस से और मधुर हो, अपराधियों के प्रति जितना सख्ती हो अधिक से अधिक, उसी तरह जरूरी है कि हमारे आम जनमानस जो है उसके साथ व्यवहार मधुर होना चाहिए, पुलिस का सहयोगात्मक रवैया होना चाहिए। तीसरा, भ्रष्टाचार को लेकर के है, भ्रष्टाचार मुक्त हरदोई करने का प्रयास किया जाएगा, खासतौर पर पुलिस विभाग में, क्योंकि उससे हमारे पुलिसजनों का ध्यान भटकता है और जनहित के बजाय नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो हमारा फोकस रहेगा कि भ्रष्टाचार की कोई भी शिकायत आएगी, विश्वसनीय शिकायत, उस पर पूरी गंभीरता बरती जाएगी और कठोर दंडात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इस तरह की मेरी प्राथमिकताएं हैं। मीडिया के साथ अच्छे संबंध होंगे, आम जनता से अच्छे संबंध होंगे, ताकि हमको सूचनाएं मिलें और उन सूचनाओं पर तत्परता से कार्रवाई करके, जिस तरह से चावल में से कंकड़ निकाल के फेंक दिया जाता है, उसी तरह से उस समस्या को, उस बुराई को अपने समाज से निकाल के फेंका जाएगा और खूब मेहनत की जाएगी ताकि हरदोई और ज्यादा शांत बने, कानून व्यवस्था ठीक रहे, ताकि इसका विकास हो और आने वाले समय में हरदोई में और अमन चैन कायम रहे। सर, आने वाले कुछ चुनाव में क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव लगे, ऐसे में कहीं ना कहीं से कुछ राजनीतिक दबाव भी पड़ता है, किस तरह से समन्वय स्थापित करते हैं? दबाव डालने वाला दबाव डालता रहे, हमें जो अपने कानून के दायरे में और विधि व्यवस्था के दायरे में जो करना है वही किया जाएगा। कहीं भी निष्पक्षता पे उंगली नहीं उठने पाएगी। जो कानूनी प्रक्रिया है, जो चुनाव की प्रक्रिया है, उसके तहत लोग जीते हारे हमको उससे ज्यादा मतलब नहीं है। हमको कानून व्यवस्था ठीक रखनी है और कानून व्यवस्था के बीच में जो भी आएगा उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, चाहे कितना भी रसूखदार क्यों ना हो।